अगर आप एक प्लांट्स नर्सरी के ओनर हैं और आप चाहते हैं अपनी नर्सरी को ऑनलाइन ग्रो करना, तो आज के इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके ज़रिए जो है आप अपनी नर्सरी को ऑनलाइन ग्रो कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारा मेन फोकस क्या रहेगा कि हम जो है अपनी नर्सरी के प्रोडक्ट जो है अपनी सिटी में तो बेचेंगे, साथ में हम लोग जो है इसको ऑनलाइन भी सेटअप करेंगे ताकि हम लोग इसको कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में बेच सकें। तो हमारा मेन फोकस होगा ब्रांड बिल्डिंग पर, अवेयरनेस पर, कंटेंट मार्केटिंग पर, लोकल एसईओ पर और एसईओ पर। तो हम इन चीज़ों पर ही काम करेंगे। सबसे पहले हमें अपने डिजिटल मार्केटिंग चैनल जो है वो डिसाइड करने होंगे कि हम किन चैनल्स पे काम करने वाले हैं। तो हमारा होगा यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल माय बिजनेस, व्हाट्सएप बिजनेस और हमारी यहाँ पर एक ई कॉमर्स वेबसाइट होगी जहाँ पर हम लोग जो है अपने प्रोडक्ट जो हमारी नर्सरी में प्रोडक्ट है उन सब को लिस्ट करेंगे और उसमें जो है पेमेंट गेटवे भी लगाएंगे। अब बात आती है ब्रांड ऑप्टिमाइजेशन की। जो आपने चैनल डिसाइड किए थे उन पर आपने प्रोफेशनल सेटअप करना है। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से लेनी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट पे रखा है एसईओ को। तो आपने सबसे पहले कीवर्ड एनालिसिस करना होगा कि किन कीवर्ड्स पर जो है आप काम करने वाले हैं। ये कीवर्ड जो है आपके जो नर्सरी है उसके रिगार्डिंग होंगे कि आपके कस्टमर क्या क्या सर्च करते हैं और आपने जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के पेज भी आपने जो है उन्हीं कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाने होंगे, जैसे कि कैटेगरी वाइज, जैसे किस टाइप का वो प्लांट है उस कैटेगरी वाइज जो है उनके नाम रखने होंगे। तो आपने जो है इस जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है उसको भी एसईओ फ्रेंडली के हिसाब से बनाना होगा। तो आप जो है कीवर्ड की रिसर्च करेंगे और कुछ इस तरह के कीवर्ड आपके होंगे जैसे कि बेस्ट प्लांट नर्सरी इन हल्द्वानी, नर्सरी नियर मी, इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स और बेस्ट इंडोर प्लांट्स और लो लाइट इंडोर प्लांट्स, ऑफिस प्लांट्स, जैसे कि हम लोग जो है ऑफिस में जो किस तरह के प्लांट्स रखते हैं इस तरह के कीवर्ड जो है आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप जो है ब्लॉग भी लिखेंगे अपनी वेबसाइट में, आप एक ब्लॉग का सेक्शन भी बना सकते हैं ताकि कोई लोग सर्च करे तो ब्लॉग्स वगैरह, तो ब्लॉग इस तरह के उसको लिख सकते हैं जैसे कि बेस्ट प्लांट्स फॉर होम, टॉप 5 लो लाइट प्लांट्स, पॉपुलर प्लांट फॉर गार्डन, इंडोर प्लांट्स फॉर ऑफिस और बेस्ट बास्तुशास्त्र प्लांट फॉर होम और लो वाटर कंजप्शन प्लांट्स। तो इस तरह के जो ब्लॉग होते हैं उन पर आप ब्लॉग भी लिख सकते हो। उसके बाद आती है कोरा मार्केटिंग। तो आप जो है कोरा पर मार्केटिंग कर सकते हो, किसी ने कोई क्वेश्चन पुट अप किया है तो आप अपने प्रोफाइल से जाके आंसर करोगे, देन जो है वहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का जो है लिंक भी दे करके आओगे। अब बारी आती है लोकल एसईओ की। तो लोकल एसईओ में आपने जो है अपनी सबसे पहले लोकल लिस्टिंग साइट्स जो होती हैं उन पर जो है अपनी प्रोफाइल बनानी होगी, जैसे कि आप जिस डायल पे अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं फ्री में और इसी तरह से आप जो है इंडिया मार्ट पर भी अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और जो भी आपकी सिटी में फ्री लिस्टिंग जो है वो साइट्स होती है वहाँ पर आपने जो है प्रोफाइल बनानी होगी ताकि आपका जो है सारी जगह पर आपकी प्रोफाइल जो है वो बनी हो। उसके बाद जो लोकल एसईओ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है गूगल माय बिजनेस, ताकि आपके आसपास कोई भी बंदा आपकी सिटी में सर्च करता है कि बेस्ट प्लांट नर्सरी नियर मी तो वहाँ पे जो है आपकी गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल आती है। आपने जो है प्रोडक्ट वाले सेक्शन में अपने प्लांट्स के जो है फोटोज़ के साथ में प्राइजेस डालने हैं ताकि कोई भी बंदा अगर वहाँ से परचेज़ करना चाह रहा था वहाँ से भी परचेज़ कर सके और आपने वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कराना है एकदम प्रोफेशनल लिस्टिंग के साथ में ताकि कोई कॉन्टैक्ट भी करना चाह रहा है तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। यहाँ पर आपने एक चीज़ का और भी ध्यान देना है, वो ये कि आप जो है जो भी आपके क्लाइंट्स होते हैं, जो भी आपके कस्टमर्स होते हैं उन सब से गूगल माय बिजनेस पे आपने रिव्यू लेना है। जितने आपके अच्छे रिव्यूज होंगे उतनी अच्छी आपकी गूगल माय बिजनेस पर रैंकिंग होगी। अब बारी आती है सोशल मीडिया की। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप किस तरह का कंटेंट डालेंगे, तो आप जो है पोस्ट की फॉर्म में जो है अपने प्लांट्स की फ़ोटोज़ डाल सकते हैं, साथ में आप जो है कुछ प्रमोशनल पोस्ट भी बना सकते हैं कि किस तरह से हमारे जो है वो प्लांट्स हैं और उनके प्राइजेस किस तरह से हैं, साथ में आप जो है कुछ क्रिएटिव्स वगैरह बना सकते हैं प्लांट के साथ में, फेस्टिवल आ रहा है तो फेस्टिवल पोस्ट के साथ में कुछ बना सकते हैं, अगर आपकी नर्सरी की तरफ से कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है तो आप जो है इवेंट के फ़ोटोज़ वीडियो शेयर कर सकते हैं, साथ में आप जो है मीम्स वगैरह की मार्केटिंग भी आप यहां पे कर सकते हैं।
आप अपने प्लांट्स की जो है शॉर्ट और रील्स की फॉर्म में भी जो है वीडियोस बना करके सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग देख सकें जो कि प्लांट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। साथ में जो लोग भी आपकी नर्सरी पर विजिट करते हैं और वो परचेज करते हैं, आप उनसे अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो है वो टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करवा के, ताकि आपकी नर्सरी में वो लोग विजिट करने हैं कैसा लगा उनको, किस तरह के आपके प्लांट्स हैं, वो सब जो है रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। अपने सोशल मीडिया पे आप जो है प्री एजुकेट वीडियोस बना सकते हो, जैसे कि प्लांट्स को कितने वाटर की ज़रूरत होती है, उसको किस तरह के एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है, अगर आउटडोर प्लांट है तो उसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर वो इंडोर प्लांट्स हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप जो है वो कंटेंट बना सकते हो शॉर्ट की फॉर्म में या फिर वीडियोज़ की फॉर्म में जिसमें आप चाहते हैं, या फिर मान के चले आप इस तरह के वीडियोज़ भी बना सकते हैं कि ये प्लांट क्यों ज़रूरी है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, इस तरह की चीज़ों में भी आप जो है अपना कंटेंट बना करके अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। आप जो है अपनी एक नर्सरी का पूरा एक ओवरव्यू वीडियो बनाओगे जिसमें आपकी नर्सरी में किस किस तरह के प्लांट्स हैं, किस तरह से आप जो है अपने प्लांट्स को ग्रो करते हैं, इस तरह का एक कंप्लीट ओवरव्यू वीडियो बनाओगे। आप उसको सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हो, साथ में आप उसके ऐड भी चला सकते हो। उसके बाद बात आती है व्हाट्सएप एंड SMS मार्केटिंग की। तो आपने जो है जो कस्टमर आपके ऑलरेडी बन चुके हैं उन लोगों को जो है रीटारगेट करना होगा। आप टाइम टू टाइम पर उनको जो है अपनी नर्सरी में क्या क्या प्लांट्स आपने न्यू बनाए हैं, आप उनके जो है वो अपडेट भेज सकते हैं फ़ोटोज़ के साथ में, और आप उनको ऑफ़र भी भेज सकते हैं ताकि वो दोबारा से जो है नए प्लांट्स खरीदें। तो आप इस तरह से व्हाट्सएप एंड SMS मार्केटिंग में भी टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। तो आपने जो है अगर आप लोकल सिटी लेवल पे काम करते हैं तो आपने लोकल इन्फ्लुएंसर को जो है अपने प्लांट जो है वो गिफ्ट करने हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर मिलता है या आप उसको जो है वो पार्सल करवा सकते हो, उसके एड्रेस पे आपने कॉन्टैक्ट करना होगा। इसी तरह से अगर आप इंडिया लेवल पे काम करते हैं तो आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को जो है अपने बेस्ट से बेस्ट जो है प्लांट्स उसको गिफ्ट कराइए और उनको बोलिए सर आप जब भी हो सके हमारा प्रमोशन आप जो है अपनी शॉर्ट की फॉर्म में, अपनी वीडियो की फॉर्म में जो है वो कर सकते हैं। तो इन्फ्लुएंसर जो है आपका किसी भी तरह से जो है वो प्रमोट कर सकता है, चाहो तो वो अपनी रील में डाल सकता है, चाहो तो वो अपनी स्टोरी में डाल सकता है। तो इस तरह से बस आपने उनको जो है अपना प्लांट गिफ्ट करना है, वो आपका प्रमोशन जो है वो किसी भी तरह से कर सकता है। अब बारी आती है पेड एडवर्टीजमेंट की। तो पेड एडवर्टीजमेंट जो होगा वो होगा आपका गूगल ऐड से और सोशल मीडिया ऐड से। तो गूगल ऐड के लिए जो है आपने सबसे पहले जो हमने कीवर्ड का एनालिसिस किया था उन्हीं कीवर्ड के साथ में जिस तरह से कस्टमर सर्च कर सकता है प्लांट्स के लिए, आपने उन कीवर्ड्स को टारगेट करना होगा और उन कीवर्ड्स पर ऐड चलाना होगा। आप इसमें जो है सेल ऐड चला सकते हो या फिर ट्रैफिक ऐड चला सकते हो। इस तरह से होगा ये कि जो भी बंदा आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च करेगा उसको जो है आपकी वेबसाइट शो होगी और वो आपकी वेबसाइट से जो है प्लांट खरीद सकता है। इसके बाद बात आती है सोशल मीडिया एड्स की। तो सोशल मीडिया एड्स पे जो है आपने सबसे पहले बायर परसोना बनाना होगा कि आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हो। देन आप जो है पोस्ट की फॉर्म में, आप जो है पोस्ट फॉर्म में ही बना सकते हो, आप चाहो तो एक कैराउसल बना करके प्लांट्स का कुछ अलग अलग तरह के प्लांट जो है वो बनाएंगे और देन आप जो है वहां से उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जिनका आपने बायर परसोना बनाया है, या फिर आपने जो वीडियो बनाया था अपना ओवरव्यू वीडियो, आप उस वीडियो को भी जो है अपने टारगेट ऑडियंस को दिखा करके अपनी अवेयरनेस कर सकते हो, साथ में सेल भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपके जो है प्लांट्स की और आपकी नर्सरी की अवेयरनेस भी होगी, आपकी ब्रांडिंग भी होगी। जिस तरह से आपकी अवेयरनेस होती जाती है उस तरह से आपकी धीरे धीरे जो है वो सेल बढ़ने लग जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। अगर आप ये कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग PDF फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं एक PDF बना करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज DigiFlock से लेनी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।